Dear students, you are very much welcome in Dikshit classes. On demand, today I am going to dictate you about the nature and character of the revolt of 1857. The nature and character of the revolt of 1857 is very debatable issue. 1857 के रिवोल्ट को लेकर के भारत के जितने भी इतिहासकार हैं उन लोगों में हमेशा डिबेट रहा है इस बात को लेकर के कि इसको तीन खंडों में बांटा गया है 1857 के रिवोल्ट को। कोई ये कहता है कि पॉपुलर रिवोल्ट था, कोई ये कहता है कि फ्यूडल इन करेक्टर था माने सामंतवादियों का रिवोल्ट था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 1857 का रिवोल्ट मात्र सिपाहियों की म्यूटिनी थी, सिपाहियों का गदर था, सिपाहियों का विद्रोह था। इससे इसको किसी भी तरीके से पॉपुलर रिवोल्ट कहना उचित नहीं होगा। और जितने भी इतिहासकार हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही भी हैं। कई बार ऐसा लगता है कि 1857 का रिवोल्ट अगर पॉपुलर था तो फिर वो पूरे भारत में क्यों नहीं था। कई जितने लोग ये तर्क देते हैं कि 1857 का रिवोल्ट पॉपुलर इन करेक्टर था या पॉपुलर इन नेचर था, तो फिर जो उसके अगेंस्ट में बोलने वाले हैं उनका कहना ये है कि अगर रिवोल्ट पूरे भारत में ही नहीं था तो वो पॉपुलर रिवोल्ट कैसे होगा। जो लोग ये मानते हैं कि रिवोल्ट फ्यूडल था वो इसके पीछे अपना तर्क देते हैं। उनका आर्गूमेंट है कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो फ्यूडल इनकरेक्टर था। लेकिन 1857 के रिवोल्ट को लेकर के जितनी भी बातें हैं हम डिस्कस करते हैं आप लोगों से। द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अ वेरी कंटेंशियस इश्यू एंड डिबेट ओवर इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ हिज हैपनिंग। 1857 के रिवोल्ट के नेचर को लेकर के एक विवादास्पद इश्यू, एक डिबेटेबल इश्यू इसके स्टार्ट होने के साथ साथ ही लग गया। मैंने ये रिवोल्ट 1857 का जब शुरू हुआ तब से ही इस पे चर्चा पर चर्चा हो रही है कि क्या ये पॉपुलर इन करेक्टर था, फ्यूडल इन करेक्टर था कि यह सिपाही म्यूटिनी था। ओपिनियंस आर शार्पली डिवाइडेड एज टू वेदर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज मेयर अ म्यूटिनी और अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति क्या मात्र एक रिवोल्ट था माने एक म्यूटिनी थी, एक सिपाहियों का गदर था, या यह आजादी की पहली लड़ाई थी। कंसिडर फ्रॉम द नेचर ऑफ द राइजिंग द ओल्ड स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस। ओल्ड स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस मतलब एनालिस स्कूल ऑफ हिस्टोरियन, मतलब जो पुराने दकियानूसी कंजर्वेटिव टाइप के हिस्टोरियंस थे, जो ट्रेडमार्क हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे, उन लोगों ने फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉल इट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। कुछ नीचे दिए गए तर्कों के आधार पर उन लोगों ने इसको आजादी के पहले लड़ाई मानने से इंकार कर दिए। मतलब बड़े कठिनाई से वो इस बात को मानते हैं कि ये वाकई में 1857 का रिवोल्ट अंग्रेजों से छुटकारा पाने का पहला कदम था। देर वॉज नो डेफिनेट पॉलिटिकल आइडल बिफोर द रिवेल। उनका ये कहना है कि आंदोलन शुरू करने के पहले कोई भी राजनीतिक आदर्शवाद नहीं था, परिभाषित वे में यह आंदोलन नहीं चला। दो एक्सपल्सन ऑफ द ब्रिटिश वॉज द इमीडिएट गोल। यदि अंग्रेजों का निष्कासन ही इस आंदोलन का आखिरी और तत्कालीन गोल था, देर वॉज नो कोऑर्डिनेट प्लान टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश। उनका यह कहना है कि यदि हम 1857 के रिवोल्ट को आजादी के पहले लड़ाई मानते हैं और इसका एकमात्र टारगेट या तत्कालीन टारगेट अगर ये था कि हम अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो फिर हमारी वो प्लानिंग कहाँ है
कि हम अपनी गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे। देर वॉज नो कोऑर्डिनेटेड प्लान, कोई भी समन्वित प्लान नहीं था हमारे पास कि यदि अंग्रेज चले जाएंगे तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कैसे बनेगी। देर वॉज नो प्लान, नो कोऑर्डिनेशन एमंग द रिबेल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। पूरे देश में जो आंदोलन हुआ उसको लेकर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लोगों की आपस में कोई कोऑर्डिनेटिंग नहीं थी, मैंने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि किस तरह से इस आंदोलन को आगे प्रोसीड किया जाएगा। द फैक्ट एट लीस्ट सम ऑफ द जमींदार एंड तालुकदार, ये एक सच आता है कि कुछ जमींदार कुछ तालुकदार पार्टिसिपेटेड इन रेबेलियन, उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। वुड एट बेस्ट गिव इट फ्यूडल कैरेक्टर एज जवाहरलाल नेहरू पॉइंटेड आउट, माने उनका ये कहना है कि जमींदारों और तालुकदारों का पार्टिसिपेशन इस रिवोल्ट में ये बताता है कि ये फ्यूडल इन कैरेक्टर था, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू भी मानते हैं। कॉमन पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मेजर दैट कैन लेजिटमेटली गिव इट द नेम ऑफ अ नेशनल राइजिंग। कॉमन पीपल का जिस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं था, मैंने कहा कॉमन पीपल की जिस तरीके से हिस्सेदारी नहीं थी, किसी भी तरह से इस रिवोल्ट को नेशनल राइजिंग कह के वैध ठहराना लेजिटमेटली, मतलब वैध तरीके से, इसको हम वैध नहीं मान सकते हैं। यानी उनका ये कहना था कि आजादी की पहली लड़ाई नहीं हो सकती है ये, क्योंकि इसमें साधारण लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इन द अबव कॉन्टेक्स्ट ओपिनियंस ऑफ प्रोफेसर सुशोभन सरकार इज वेरी रिलेवेंट, इस संदर्भ में प्रोफेसर सुशोभन सरकार का जो विचार है वो काफी रिलेवेंट है, काफी प्रासंगिक लगता है, सच लगता है। ही हैज डिप्लोर्ड दैट व्हाइल मेनी आर प्रिपेयर्ड टू नोटिस नेशनल एलिमेंट, उन्होंने इस बात की निंदा की कि हम लोगों ने नोटिस किया है नेशनल, अपने नेशनल हीरोज को लाइक राजपूत किंग्स, मराठा लीडर शिवाजी, उनके प्रयासों को हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, उसके बाद भी यदि हम ये कहें कि 1857 का रिवोल्ट नेशनल राइजिंग नहीं था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, तो ये गलत होगा। दे फेल टू नोटिस अ सिमिलर मोटिव बिहाइंड रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट को जो लोग नेशनल अपराइजिंग या आज़ादी की पहली लड़ाई नहीं मानते हैं, उन लोगों को लेसन देते हुए इन इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि हम जिस तरीके से हम अपने नेशनल हीरोज को देखे हैं लाइक राजपूत किंग एंड मराठा लीडर शिवाजी, तो उनका ऐसा मानना है कि इसी तरीके का आंदोलन था ये 1857 का रिवोल्ट। प्रोफेसर एस एन सेन इन हिज बुक एंटाइटल्ड 1857 कंक्लूडेड दैट म्यूटनी ऑफ 1857 वॉज नॉट सिंपली अराइजिंग ऑफ सिपॉयज। प्रोफेसर एस एन सेन ऐसा मानते हैं, जो उनकी बुक है 1857, उसमें उन्होंने कहा है कि 1857 की जो म्यूटनी थी वो सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। ही आर्ग्यूड दैट अ नेशनल राइजिंग डज नॉट रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल, और उन्होंने इसके पीछे ये तर्क दिया है कि कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उन इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि भारत ये 1857 का आंदोलन मात्र उत्तर भारत में था, ये दक्षिण भारत तक पहुंचा ही नहीं। तो उन लोगों के लिए लेसन देते हुए प्रोफेसर सेन कह रहे हैं कि नेशनल राइजिंग में कोई जरूरी नहीं है कि देश के बहुत बड़े हिस्से की भागीदारी हो। ओनली एन इन्फ्लुएंशियल सेक्शन ऑफ पीपल हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्यूशन ऑफ द फ्रांस एंड अमेरिका, उन्होंने फ्रांस और अमेरिका का उदाहरण देकर के बताया, और फ्रांस की क्रांति से तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789, वो एक हिस्टोरिक डेट है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की उस क्रांति का हवाला देते हुए कहा
कि उसमें भी मास इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब बहुत बड़े जनसंख्या में लोग उस आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं लिए थे, तो क्या हम अमेरिका की क्रांति को या फ्रांस के उस महान रेवोल्यूशन को आज़ादी की लड़ाई नहीं कहेंगे? ऑन सच एन आर्गूमेंट, और उस आर्गूमेंट पे माने उस तर्क के अनुसार, प्रोफेसर सेन कॉल्ड इट नेशनल राइजिंग ऑल्दो टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। प्रोफेसर सेन उन दो देशों का हवाला देते हुए 1857 के रिवोल्ट को नेशनल राइजिंग मानते हैं। हाँ, उनका ये कहना है कि यह लिमिटेड एक्सटेंट में था, इसकी सीमाएं तय थी, बहुत लंबे क्षेत्र को यह कवर नहीं किया था, लेकिन उनका यह मानना है कि 1857 का रिवोल्ट आजादी की पहली लड़ाई थी। प्रोफेसर रमेश चंद मजुमदार आर्गुमेंट्स आर ऑल्सो समवॉट आइडेंटिकल विद दोज ऑफ प्रोफेसर सेन। और प्रोफेसर रमेश चंद मजुमदार का भी जो तर्क है वो भी बहुत कुछ समान है, बहुत कुछ मिलता जुलता है प्रोफेसर सेन से। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट बिगेन एज द म्यूटिनी एंडेड इन सर्टेन एरियाज इन एन आउटब्रेक ऑफ द सिविल पॉपुलेशन। प्रोफेसर रमेश चंद मजुमदार कहते हैं कि जो सिपाही म्यूटिनी या सिपाही गदर से शुरू हुआ, उसका अंत सिविल पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन के संग खत्म हुआ। यानी जो आंदोलन सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था ये मान करके स्टार्ट हुआ, उसका अंत एक मास पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन के संग खत्म हुआ। देयर इज हाउएवर नो डट ऑफ अदर ओपिनियन, और दूसरे विचारों की कमी नहीं है। एज पॉइंटेड आउट बाय प्रोफेसर शेखर बंदोपाध्याय, बी डी सावरकर, बाय डिस्क्राइबिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रोफेसर शेखर बंदोपाध्याय, बी डी सावरकर जैसे बड़े इतिहासकारों ने 1857 के रिवोल्ट को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माने आज़ादी की पहली लड़ाई माना है। डायरेक्टली ड्राफ्टेड इट इनटू द हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और उनका ऐसा मानना है कि 1857 का रिवोल्ट इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए जो इंडियन नेशनलिज्म सिखाता है हमें, यानी भारतीय राष्ट्रवाद सिखाता है। दो विगरसली डिनाइड बाय द कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस, यद्यपि कंजर्वेटिव स्कूल माने ओल्ड स्कूल ऑफ हिस्टोरियन एनालिस स्कूल के जो भी हिस्टोरियन थे, जिन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट को मात्र सिपाही म्यूटिनी या फ्यूडलिज्म से जोड़ के देखा, फ्यूडल इन कैरेक्टर कहा, उन लोगों के लिए ये लेसन है। उन लोगों के डिनाइड करने के बाद, यानी उन लोगों के अस्वीकार करने के बाद, विनय दामोदर सावरकर यानी वी डी सावरकर रिसीव सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेसर एस बी चौधरी। विनय दामोदर सावरकर को सपोर्ट मिला प्रोफेसर एस बी चौधरी का। ही सॉ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट कंबाइंड अटेम्प्ट ऑफ मेनी क्लासेस ऑफ पीपल टू चैलेंज अ फॉरेन पावर। और प्रोफेसर एस बी चौधरी ऐसा देखते हैं, प्रोफेसर एस बी चौधरी ऐसा मानते हैं कि 1857 का रिवोल्ट पहला कंबाइंड प्रयास था, माने पहला एकजुट प्रयास था जिसमें सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के प्रयास किया था, जिसमें मत, मजहब, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ, फॉरेन पावर मतलब विदेशी, तो विदेशी अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। और 1857 के रिवोल्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का पहला और आखिरी आंदोलन था जिसमें इस देश के हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। यह आंदोलन सफल रहा, असफल रहा, इसके अगर इससे ऊपर उठ करके अगर हम इस आंदोलन को देखें तो यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसने हमें राष्ट्रवाद सिखाया था। द डिबेट हाउएवर इज
नॉट एट ओवर, ये डिबेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इट विल कंटिन्यू टिल एन एग्रीड ओपिनियन कुड बी अराइव, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक एक संयुक्त विचार नहीं आएगा, जब तक ये सारे इतिहासकार नहीं मान लेंगे कि 1857 का रिवोल्ट फ्यूडल इनकरेक्टर था या पॉपुलर रिवोल्ट था, ये मात्र सिपाही म्यूटिनी था। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, इसके आधार पे अगर क्वेश्चन आपका होता है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। कैन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।